ओम ह्रीं श्री शुक्राय नमः। तुला राशि वालों, शुक्र देवता का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। शुक्र के कारण आपके भाग्य का उदय हो। शुक्र आपको सौभाग्य दे, आपका कल्याण हो। तुला राशि वालों, शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत जीवन में परिवर्तन लेकर आने वाला है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तुला राशि वालों, शुक्र ग्रह का आपके जीवन पर प्रभाव। तो तुला राशि वाले, शुक्र ग्रह आपके लिए कारक ग्रह है। शुक्र का गोचर आपको नौकरी, व्यापार, धन, दौलत, प्यार सब कुछ देता है। शुक्र के कारण आप जीवन में सुख भोगते हैं। शुक्र के कारण ही आपको सुंदर जीवन साथी मिलता है। शुक्र के कारण ही पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। तुला राशि वालों, शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। जीवन का सुख आप शुक्र ग्रह के कारण भोगते हैं। शुक्र आपको धन, संपत्ति, विवाह सब कुछ शुक्र के प्रभाव के कारण आपके जीवन में होता है। तुला राशि वालों, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 9 सितंबर, 4 अक्टूबर और 28 अक्टूबर शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। तुला राशि वालों, अभी शुक्र आपके 11th हाउस में गोचर कर रहा है। 9 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके द्वादश भाव में गोचर करने लगेंगे। पुनः 4 अक्टूबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र आपके लगन भाव में चले जाएंगे। तो तुला राशि वालों, 9 सितंबर को शुक्र नीच का होकर आपकी कुंडली के 12th भाव में गोचर करेगा। फिर 4 अक्टूबर को शुक्र प्रातः 4:56 पर तुला राशि पर गोचर करने लगेगा, जो 28 अक्टूबर तक रहेगा। 9 सितंबर, 4 अक्टूबर आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिन होगा। 9 सितंबर को द्वादश का शुक्र यानी 12th हाउस आपका आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएगा। इन दिनों आप प्यार का आनंद भरपूर लेंगे। वैवाहिक जीवन सुख आनंद पूर्वक बीतेगा। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आप धन भी कमाएंगे। समाज में इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिलेगा। शुक्र का गोचर आपको सब कुछ देने जा रहा है। तुला राशि वालों, पर आप अचानक परेशान हो जाएंगे जब शुक्र पर मंगल का प्रभाव पड़ेगा। अचानक आपके खर्च बढ़ने लगेंगे। आप अपने सांसारिक सुख के लिए पैसा खर्च करने लगेंगे। आपने अभी तक जो पैसा जमा करके रखा था, घूमने में, आनंद करने में, मनोरंजन में आप खर्च करने लगेंगे। आपके जीवन में थोड़ा परेशानी आ जाएगा। तभी 4 अक्टूबर को शुक्र फिर राशि परिवर्तन करके अपने उच्च राशि तुला में आ जाएगा। तब शुक्र की कृपा से आप ज्यादा धन कमाएंगे, नौकरी भी लगेगी, व्यापार भी बढ़ेगा। क्योंकि तुला राशि वालों, लग्न का शुक्र शुभ फल देता है। आपके मन में प्रेम उत्पन्न होगा, सजने सवरने का मन करेगा, धन, संतान और स्त्री का सुख मिलेगा, नौकरी भी लगेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, आपका जीवन रोमांटिक हो जाएगा। शुक्र ग्रह तुला राशि वालों के लिए बहुत शुभ होता है। शुक्र की गोचर में जब आपके लगन भाव में होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जीवन जीने का मजा ही कुछ और होगा। आपके जो भी लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप शत्रुओं का नाश करेंगे। 4 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इन दिनों नौकरी भी मिलेगी।
पैसा कमाने के लिए मेहनत करेंगे आप पैसा भी कमाएंगे, व्यापार भी आपका बढ़ेगा, सुख समृद्धि में भारी वृद्धि होगी, आप धर्म कर्म के काम में भी रुचि लेंगे, व्यापार में खासा लाभ होगा। स्टूडेंट के लिए 4 अक्टूबर से 28 अक्टूबर का जो दिन होगा वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आने वाला होगा। आप मेहनत करें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। शुक्र ग्रह आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। तो तुला राशि वालों, शुक्र ग्रह का आपके जीवन पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है। आप इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि जीवन में ऐसे क्षण बहुत कम मिलते हैं। शुक्र का गोचर आपको सुख संपत्ति सब कुछ देगा, मन में शांति देगा, प्यार देगा, पैसा देगा, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होगी, जीवन खुशहाली से भर जाएगा। तो तुला राशि वालों, शुक्र ग्रह अगर आप शुक्र ग्रह की शांति करवाते हैं, नौ ग्रह की पूजा करते हैं, तो आपके लिए और भी सुंदर होगा। तो तुला राशि वालों, सितंबर अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए बेहतर होने जा रहा है। 9 सितंबर के बाद जीवन में आप धन कमाएंगे, पर थोड़ी परेशानी होगी, धन खर्च भी हो जाएगा, पर 4 अक्टूबर के बाद 28 अक्टूबर तक आपका दिन बहुत सुंदर रहेगा। इस दौरान आप घर बनाइए, वाहन खरीदिए, जमीन मकान सब कुछ आपको हो सकता है। तो तुला राशि वालों, आज के लिए इतना ही। अपना राशिफल देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए आपका राशिफल लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। हरिओम।